नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है हापुड़ से, जहां हापुड़ के एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर की गई अंबेडकर जयंती और हनुमान मंदिर से संबंधित मीटिंग, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों को बुलाकर थाना प्रभारियों द्वारा शांति की अपील की गई, जहां पर क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान और गणमान्य लोगों को बुला करके शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कानून की सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया। खबर आ रही है इटावा से, जहां ताखा तहसील की गारद में तैनात एटा निवासी सिपाही ने कलाई की नस काटने के बाद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी हुई है। मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। इटावा एसएसपी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर, एक सिपाही की जो खुशी का मामला सामने आया, क्या मामला है? देखिए, ताखा तहसील जो है वहाँ गार्ड लगी हुई थी, तो उसी गार्ड में सिपाही नियुक्त था जिसका नाम प्रेम प्रकाश था, और ये 2 तारीख को वहाँ ड्यूटी के लिए गया था। सुबह सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो हम लोग सफाई हॉस्पिटल उसको ले गए थे, जहाँ पर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद घटनास्थल पर जा कर के देखे, तो देखने से और उसकी बॉडी को देखने से लग रहा था कि उसने सुसाइड का पहले प्रयास किया, हाथ नस काट करके उसके बाद गोली मारी है। अभी किन कारणों से किया है बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिवारजन आ गए हैं, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच में जो तथ्य आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया गया। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया। वितरण समारोह कार्यक्रम में अवध गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर भी उपस्थित रहे। आपको ये भी बताते चलें कि 552 लड़कियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया गया। इसी क्रम में आपको बता दें कि योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत कर इसकी जानकारी दी। हाँ, मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अदिति, आपको स्मार्टफोन मिला है, कितना हेल्पफुल रहेगा ये? बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आजकल सभी लोग चाहते कि बहुत कम समय में वो ज़्यादा नॉलेज ले सके, जो कि पॉसिबल है सिर्फ फ़ोन के थ्रू। तो ये फ़ोन यूज़फुल है, हम लोग बहुत कम समय में अपनी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन में बहुत चीज़ें हम लोगों के लिए प्रॉब्लम रही, क्लासेस वगैरह नहीं हो रही थी, तो उसके लिए भी है कि हम लोग सारी चीज़ें गूगल पे आजकल सर्च कर सकते हैं, तो हम लोगों के पढ़ाई के लिए तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो योगी जी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमारी शिक्षा के बारे में सोचा। उनमें से आधुनिकतम संसाधन मिलेंगे छात्रों के हाथ में, और वो शिक्षा को पूरे वृहद रूप में ग्रहण करने के लिए उनके पास एक ऑपरेटर्स हो जाएगा, एक उपकरण हो जाएगा, जिससे जिसको कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी, पूरी विद्या का क्षेत्र उनकी मुट्ठी में आ गया है। खबर आ रही है संभल से, जहां संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मार कर कार्रवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खेलते हुए गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 44,150 रुपए की नकदी, कैलकुलेटर, मोबाइल, टॉर्च एवं सट्टा पर्ची बरामद की है। पूरा मामला थाना चंदौसी क्षेत्र का बताया जा रहा है। आईपीएल में अवैध सट्टा लगाने वालों के खिलाफ इस समय जनपद संभल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस व एसओजी की टीम के द्वारा कल चंदौसी में काशीराम आवास योजना के पास में खाली पड़े हाथे में छापा मारा गया, जहां से कुल 16 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 44,000 रुपये के करीब नकद, साथ में 5 मोबाइल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य इस तरह की सामग्री प्राप्त हुई, जिससे कि यह पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने के पश्चात। इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो इस तरह के कारोबार में इन लोगों को लगाए हुए हैं। धन्यवाद। खबर आ रही है संभल से, जहां बनिया ठेर थाना क्षेत्र में 23 मार्च को लूट के बाद हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा, 2 नाजायज चाकू व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया है। एसपी ने इस मामले का खुलासा किया है। क्या मामला है सर? ये खुलासा हुआ है,
थाना बनियाठेर के अंतर्गत 23 तारीख की शाम को एक युवक की जो अपनी मोटरसाइकिल से इस रोड से जा रहा था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पास से कुछ सामान भी छीना गया था। इसमें हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। आज 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम सलीम, अली गौहर और अनस हैं। ये तीनों कस्बा नरौली थाना बनियाठेर के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा पूछताछ में यह स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा शराब के नशे में वहाँ पर व्यक्ति से छीना झपटी करने के बाद छिनैती की कोशिश की गई। छिनैती में प्रतिरोध करने पर इनके द्वारा इनमें से एक के पास में अवैध शस्त्र से फायर किया गया जिससे सिर में गोली लगने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास कोई नहीं है। इनकी अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इसमें एक और पॉइंट है कि जो मृतक है उसके घर वालों की तरफ से 3 अभियुक्तों को नामजद कराया गया था। उन तीनों का इसमें घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। उन तीनों को उनका नाम इससे पृथक करते हुए ये 3 जो है सलीम, अली गौहर और अनस इनको जेल भेजा है। धन्यवाद। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए देखते रहिए TGN 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।